असुर सीजन 2 कंप्लीट, एक से लेके 8 एपिसोड तक मैंने देख लिया है। एंड अब आपके मन में दो बड़े सवाल आ रहे होंगे, सबसे पहला तो ये कि मैंने कंप्लीट कैसे देख लिया, क्योंकि जियो सिनेमा तो डेली एक एपिसोड रिलीज करता है ना। तो वेल हाँ, लेकिन शायद आपको पता होगा कि कल ही कंप्लीट सीजन 2 लीक हो गया था एंड इसीलिए जियो सिनेमा ने इसको पहले ही रिलीज कर दिया। एंड अब दूसरा अहम सवाल आता है कि सीजन 2 कैसा है, वो सीरीज जो कि आज से 3 साल पहले रिलीज हुई थी एंड पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीरीज बन चुकी थी, उसको इतना ज्यादा पसंद किया गया था, तो क्या वो सीजन 2 के अंदर भी वही क्वालिटी मेंटेन कर पाती है या फिर नहीं, आइए बताता हूँ। और हाँ, डरो मत, मैं कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं दूंगा। अब देखो, जब सीजन 1 रिलीज हुआ था ना, तो इस सीरीज को लेके किसी की भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये सीरीज वूड सिलेक्ट पे रिलीज हो रही थी और आई थिंक ये इनकी पहली सीरीज थी। उस टाइम तो मैं ये रिव्यूज वगैरह भी नहीं करता था, लेकिन कसम से मेरा जो फर्स्ट सीजन का जो एक्सपीरियंस था ना, वो मैं यार मतलब आपको बता भी नहीं सकता, वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा भाई। एक तो सीरीज इतनी ज्यादा ग्रिपिंग, ऊपर से माइथोलॉजी प्लस मर्डर क्राइम मिस्ट्री सीरियल किलिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा था, मतलब था नहीं अब भी है। और हाँ, मुझे आज भी याद है कि जब मैं फर्स्ट सीजन देख रहा था तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि पहले कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था एंड स्पेशली इसकी जो एंडिंग थी खतरनाक यार, खतरनाक। फिर धीरे धीरे सीरीज लोगों तक पहुंची एंड जिन्होंने भी इस सीरीज को देखा था उन्होंने इसकी तारीफ ही की थी, हर किसी का यही सवाल था कि यार शुभ कौन है। तो ये सब रिस्पांस देख के मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था, बट साथ ही एक डर भी था कि क्या सीजन 2 के अंदर भी मेकर्स यही लेवल मेंटेन रख पाएंगे या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि स्टोरी ढीली पड़ जाए। लेकिन लेट मी टेल यू, सीजन 2 ने सीजन 1 के वही लेवल को मेंटेन रखा है। सीरीज आज भी उतनी मजेदार है, उतनी ग्रिपिंग है जितना सीजन 1 में था। मतलब एक बार अगर देखने बैठ गए तो फिर खत्म करके ही उठोगे, बल्कि सीजन 2 का स्केल देखा जाए तो ये फर्स्ट पार्ट से भी बड़ा है। मतलब असुर, उसकी गैंग, उसकी आइडियोलॉजी एंड उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इस सीरीज में ग्लोबल फैलता जा रहा है। स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधा पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या करोगे स्टोरी जान के, खामखा मैं कोई स्पॉइलर दे दूंगा, इससे अच्छा सीरीज के अंदर ही देख लेना, मजा आएगा। तो वेल, पॉजिटिव नंबर 1 इसकी राइटिंग। अरे भाई साहब, क्या लिखा है सीरीज को, ये पॉइंट फर्स्ट सीजन के अंदर भी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था एंड सेम विद सीजन 2। मेकर्स को अच्छे से पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने कोई फालतू की ड्रामेबाजी नहीं की है, बल्कि के स्टोरी पे काम किया है। एक एक कैरेक्टर को जितनी जरूरत थी उतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया है या फिर उसका यूज नहीं किया अच्छे से, और ना ही कहीं पर भी सीरीज स्लो है। स्टोरी से लेके स्क्रीन प्ले दोनों एकदम कड़क है। शुरुआत से ही ये सीरीज आपको बांधे रखने की काबिलियत रखती है, हालांकि आपको फर्स्ट एपिसोड के अंदर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई टाइम पास कर रहे हैं ना, बल्कि आते ही काम धाम शुरू। जहां फर्स्ट सीजन के अंदर असुर फिजिकली मारकाट पे ज्यादा फोकस करती थी, तो वहीं सेकंड पार्ट के अंदर इसका कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है कि एक दो बंदों को मार दिया ना, बल्कि अभी सीधा सैकड़ों या फिर हजारों लोगों के बारे में बात करता है। टेक्नोलॉजी एंड AI पे ये सीजन काफी हाईली फोकस्ड है, क्योंकि अब यही शुभ का मेन हथियार है। पॉजिटिव नंबर 2, परफॉर्मेंसेस। यार अब इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सीजन के अंदर आप देख ही चुके हो क्या कास्ट है, सभी का काम एकदम टॉप क्लास है। बल्कि स्पेशली ये वरुण सोबती एंड रिद्धि डोगरा को देख के ऐसा लगता है कि ये कोई एक्टर नहीं बल्कि फोरेंसिक में ही काम करते हैं। एंड इन साहब के बारे में तो यार मैं क्या ही बात करूं, लेजेंड। खा जाते हैं सामने वाले एक्टर को जब भी स्क्रीन पे आते हैं। एंड इनके अलावा अनुप्रिया गोयनका, अमे वाघ यानी कि रसूल एंड शुभ, इनका काम भी बहुत तगड़ा था। अब अगला पॉइंट जो कि मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा वो है इसका म्यूजिक। अरे यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया है एंड फर्स्ट के कंपैरिजन में इसका जो म्यूजिक है वो और भी ज्यादा तगड़ा है, पूरी सीरीज को एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाता है। कहीं जगह पे आपको ये फील भी होगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया है, कुछ ज्यादा इंटेंस हो गया है। इवन मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस सीजन के अंदर किसी एक कैरेक्टर ने स्माइल भी नहीं दी है, सच में सभी टेंशन, गुस्सा, डर इनसे भरे हुए थे। एंड फोर्थ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है इसका सस्पेंस, या फिर कह लीजिए कि ट्विस्ट एंड टर्न्स। अरे यार गर्मी बहुत है यार आज भी, सिर्फ कुछ जगह छोड़ के ये पूरा सीजन भी फर्स्ट सीजन की तरह ही अनप्रेडिक्टेबल था। कौन कब कहां पर कैसे घुसने वाला है कुछ भी आइडिया नहीं होता। CBI एक क्लू निकालती है तो उसके बदले में शुभ उनको दो प्रॉब्लम लाके देता है, और सीरीज देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि शुभ CBI से सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कदम आगे है। हर एक बंदे की एक एक हरकत पे इसकी नजर है, कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, कहां उठ रहा है, बैठ रहा है, सब इसको पता है। बट क्या फिर भी शुभ को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं, ये आपको सीरीज के अंदर देखना होगा। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि क्या इस सीजन के अंदर हमें शुभ का चेहरा देखने को मिलेगा, तो चलो मैं आपको इतना बता ही देता हूँ, यस इस सीजन के अंदर हमें शुभ का चेहरा देखने को मिलता है। लेकिन अब यही मुझे एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट भी लगा, और वो है इसकी कास्टिंग को लेके। बड़े शुभ की कास्टिंग यार मुझे उतनी कुछ खास लगी नहीं। मतलब आप एक बार इस शुभ को देखो, इसको फर्स्ट सीजन के अंदर देख के मुझे डर लग रहा था। इसकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, एक्सप्रेशन एंड स्पेशली इसकी आंखें, उनमें एक अलग ही खौफ नजर आ रहा था। लेकिन बड़े वाले शुभ के अंदर ये बातें थोड़ी सी मिसिंग है। बड़े वाले शुभ को देख के जो फील आनी चाहिए थी वो मुझे आई नहीं, बल्कि जबकि इसको लेके सस्पेंस इतना ज्यादा बना हुआ था कि बड़ा शुभ कौन है,
बड़ा शुभ कौन है, बट जब वो सामने आया तो इतना कुछ खास इंप्रेसिव लगा नहीं। इससे अच्छा तो यार रसूल को ही शुभ बना देते, बंदा एकदम कड़क लगता, देख के लगता कि हाँ कुछ बात है विलन में, और स्पेशली इसकी जो आंखें हैं एकदम कड़क। बट एनीवे अब हो चुका है जो होना था। एंड अब जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी एंडिंग। अब मैं इसको कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं कह रहा, बस हल्का सा जो इसकी एंडिंग थी वो मुझे उतनी कुछ खास इंप्रेसिव लगी नहीं जितना मैंने फर्स्ट सीजन के अंदर देखा था, और इसीलिए मैं इसको कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं कह रहा क्योंकि मुझे पता है मैं इसको फर्स्ट सीजन से कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि जो फर्स्ट सीजन था उसकी जो एंडिंग थी वो उसका एक मेजर प्लस पॉइंट था। रसूल एंड डीजे के बीच में जो आई कॉन्टेक्ट होता है गजब था यार वो। लेकिन इस बार एंडिंग उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाई, लेकिन फिर भी आपको कुछ नया तो देखने को मिलेगा थर्ड सीजन को लेके। उसमें एक हिंट है जिसमें हम काफी सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये सीजन भी फर्स्ट सीजन के लेवल को ऑलमोस्ट मैच कर देता है। कुछ जगह पे थोड़ा सा अच्छा भी है तो थोड़ा सा डाउन भी। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 4 out of 5 स्टार्स। सारे के सारे एपिसोड जियो सिनेमा पे फ्री में अवेलेबल है तो अभी जाके देखो। एंड अगर फर्स्ट सीजन भूल गए हो, याद नहीं है, तो मैंने उस पर भी रिकैप वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हो। ये रही वीडियो, वॉच इट। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।